ठेकेदार होंगे या फिर बड़े नेता भी जाएंगे रात्रि विश्राम करेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों का पूरा रोडमैप है, जिसमें से 18 मंडलों में जो दलित बस्तियां हैं वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के दलित वो जाएंगे, और दिल्ली से हमारे नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी भी आ सकते हैं, और जो तमाम जो दलित नेता हैं वो जा करके उनका जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो इनका स्वाभिमान जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको स्वाभिमान दिलाने के लिए उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, रात्रि चौपाल करेंगे, एक फॉरम भरवाएंगे, और स्पष्ट तौर पर ये आने वाले समय में जो लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को आप भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया, उसके बाद जो दलित आंदोलन के जनक रहे उत्तर प्रदेश में माननीय कांसीराम जी, जिन्होंने दलितों के हक और हुकूक की बात की थी, आज जो उस पार्टी से निकल करके मायावती जी आती हैं, और उन्होंने भी देखी कि एक दलितों के साथ क्या किया, उनकी भी हालत बद से बदतर हुई। आज अगर कांग्रेस पार्टी दलित मूवमेंट कर रही है तो सारी पार्टियों को कहीं ना कहीं दुख और दर्द लग रहा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये दलितों का सगुफा छोड़ रही है, क्या इनको हाथरस की घटना नहीं देखती है? जब संविधान में छेड़छाड़ की जाती है, बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ की जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीजें नहीं दिखती? आज दलित जाग चुका है, दलितों को उनके हक और हुकूक की बात अगर कोई कर सकता है कांग्रेस पार्टी। हम लोग स्वाभिमान दिलाने का काम कर रहे हैं और हम स्वाभिमान दिलाएंगे। ठीक है, आलोक वर्मा जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं, और आपकी सरकार जो उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, यहां पर दलितों के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा हुई, बहुत ज्यादा अपराध हुए, ऐसा है क्या? सचिन भाई विद्वान प्रवक्ता हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो सच्चाई होगी, लेकिन मुझे लगता है सचिन भाई अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, आपकी पार्टी पे उत्तर प्रदेश के लोगों ने कितना भरोसा किया। मुझे लगता है रायबरेली की एक सीट ही आपके हिस्से आई थी, उसमें आपकी पार्टी का जो मेन चेहरा है, मुख्य चेहरा है, वो चुनाव में उतरा था तब। तो मुझे लगता है कि सब अच्छी तरीके से आपका चेहरा सचिन भाई जान गए हैं। कांग्रेस को जब सियासत का मौका मिलता है तो सियासत करती है, लेकिन जमीन पे जब काम करने का मौका मिलता है तो जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए सचिन भाई, एक फिल्म आई थी 90 के दशक में, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, प्रतिघात शायद उसका नाम था, अगर मैं मिस नहीं कर रहा, उसमें गाना था कि हमारे पलमा बेईमान हमें समझाने आए हैं, हमें समझाने आए हैं, वोट हथियाने आए हैं। उत्तर प्रदेश 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ लोग जानते हैं कि आपने क्या किया था और आप क्या कर सकते हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ आए थे कि नहीं आए थे, खाट सभाएं उस समय राहुल गांधी जी कर रहे थे, क्या नतीजा निकला? अभी प्रियंका गांधी जी पिछली बार आई थी ना इलेक्शन में प्रभारी बन करके, क्या नतीजा निकला? तो मुझे लगता है कि आपका दिन खत्म हो गया, आप कैसी भी सभाएं कीजिए। जब एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुआरे पे आई बरात तो संधन के लागे प्याज, अब इलेक्शन का समय है तो आपको सब दलित याद आ रहे हैं, दूसरा समाज याद आ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथी होंगे उनको भी दिख रहा होगा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उस विचार के साथ आगे बढ़ रहा है, और आज से नहीं बढ़ रहा है, 2014 एक दशक हो गया, 2014 की जीत देख के इसलिए हमारी जीत हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हम पर भरोसा किया। 2017 में विधानसभा इलेक्शन था, समाजवादी पार्टी के साथ थे, उस समय की सत्ताधारी पार्टी थी, क्या नतीजा निकला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। 2019 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बसपा का, नतीजा क्या निकला? पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे, पूरे देश में लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर आई बताने की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी और बसपा के हिस्से कुल मिला के 15 सीटें आई। 2022 में भी यही राग अलाप रहे थे बाकी सारे दल, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बसपाई हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे दूसरे दल के लोग हो, यही राग अलाप रहे थे, लेकिन 2022 में ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की एक बार फिर से 20-25-30 सालों बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए बने क्योंकि हमने हर समाज के लिए काम किया है, हमने सबके लिए काम किया। आप लोग नारे देते रहे हैं ना आलोक वर्मा जी, लेकिन जाटव वोट जो है, आलोक वर्मा जी ठीक है, गैर जाटवों का वोट तो करीब करीब आधा आधा जो है 48% गैर जाटवों की अगर बात करें, दलितों की बात करें तो करीब करीब 48% आपको वोट मिला, लेकिन जाटव वोट बैंक जो है, जो वोट है वो समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को ही गया था, तो यहां पर कैसे कमी रह गई है? जाटव आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? अगर आप दलितों के लिए इतना अच्छी योजनाएं बना रहे हैं तो जाटव जो है समाज का हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो दिमाग है उसमें जहर घोल दिया गया है,
उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग पार्टियां खड़ी हुई, कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, कांग्रेस भी समीकरण बना के चलती थी, मुसलमान हमारे हो जाएंगे, ब्राह्मण हमारे हो जाएंगे, दलित हो जाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे, इस समीकरण को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ती थी। जब बसपा का समय आया तो दलित और मुसलमानों के साथ लेकर के वो आगे बढ़ी। समाजवादी कहती थी कि माई हमारी है, मुसलमान और यादव आएंगे, बाकी सबको हम जोड़ लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, हम जीत हासिल कर लेंगे। निश्चित रूप से जीत हासिल की इन लोगों ने, जीत हासिल की, उस वजह से कुछ वोट बैंक इनके इकट्ठे हुए। लेकिन लोगों ने देखा भी कि हुआ क्या, समाजवादी पार्टी के समय में क्या हुआ, बसपा के समय में क्या हुआ, कांग्रेस के समय में क्या हुआ, आज उत्तर प्रदेश में किसी की भी ताल नहीं गल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आपस अकेले लड़े तब भी वही हाल है, अगर साथ मिलकर के लड़े तब भी वही हाल है, इस दल से गठबंधन करें उस दल से गठबंधन करें, हाल वही है, हाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हालात में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी बदल चुकी है। अभी जात जमात पे की सियासत में बिलीव नहीं करती, जात जमात की सियासत में भरोसा नहीं करती। जो 21वीं सदी के आम लोगों को जो तरक्की की राह पर ले जाएगा, देश को जो आगे बढ़ाएगा, उत्तर प्रदेश के लोग उसके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश अब उस वो उत्तर प्रदेश नहीं है जब लोग इसको बीमारू राज्य कहते थे, आज ये अगड़ा हुआ राज्य है, तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है, देश में सबसे तेजी से तरक्की करने की सोच वाला राज्य है। तो मुझे लगता है कि जो जात जमात की उत्तर प्रदेश में सियासत करते थे उनका समय खत्म हो गया है। जो जातियां हमारे साथ नहीं थी उनके भी वोट आ रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, वक्त का इंतजार कीजिए। 2024 में देखिए, हम जब दावे के साथ कहते हैं कि सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अभी जहां जहां चुनाव हुए, बहुत सारे इलाके हुए, इलाकों में ठीक है। राहुल भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौटता हूं सर आपके पास। राहुल भारती भी जुड़ गए हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, SC ST मोर्चा के। राहुल भारती जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा कि आपकी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार ने 2015-16 में SC छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति की योजना थी उसे बंद कर दिया। मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था क्या? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है राहुल जी। देखिए ऐसा है, ये जो आज दलितों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ पूरी तरह दिखावा है। छात्रवृत्ति आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, किस तरीके से लोगों बच्चों को मिलके सब पता है। आज स्पेशल कंपोनेंट प्लान का लगभग 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से खर्च नहीं किया, ये सबको पता है। ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है उसकी वो बात कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो भी उन्होंने अपनी बात बोली है कि अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ने वो कहा, उन्होंने जब उनकी सरकार थी उन्होंने सब बच्चों को लैपटॉप वितरण करने का काम किया। राहुल जी, SC छात्रों के लिए मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वो कह रहे थे ये बात एक बार फिर से मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि राहुल भारती समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, SC ST मोर्चा के, कांशीराम की मूर्ति अखिलेश यादव लगाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, काशीराम साहब की मूर्ति वाला मामला ठीक है, ऐसा वो कहने हो सकता है। पहले तो मैं आपको एक संबोधन करना चाहूंगा, मैं अभी SC प्रकोष्ठ का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी जी, बताइए। दूसरी बात यह है कि ऐसा छात्रवृत्ति आज कितनी मिल रही है हमारे बच्चों को? आज उनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। कॉलेज वाले एडमिशन दलित बच्चों का नहीं ले रहे हैं, वो लगातार वो लोग कॉलेज से बाहर निकालने का वो काम कर रहे हैं और सरकार पंगु बन के उसे देखने का काम कर रही है। ये बात इन्हें कहनी चाहिए, इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार है जी। इन लोगों को समझना चाहिए इस बात को। और इन्होंने स्पेशल, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान का एक भी रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया जो दलितों की योजनाओं के लिए होता है। चले, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आलोक वर्मा जी, आप लोग दलित छात्रों के लिए क्या करें? ठीक है, आपने बता दिया कि भाई अखिलेश यादव की सरकार ने 15-16 में जो दलितों को छात्रवृत्ति मिलती थी उसे बंद कर दिया था, लेकिन आपकी सरकार में कोई छात्रवृत्ति मिल रही है क्या? बिल्कुल, दलित छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं तो किसी जमाने में मेडिकल की तैयारी करने वाला छात्र था, उस जमाने में उत्तर प्रदेश को देख रहा था कि हालात क्या थे। कुल मिला के 4-5 मेडिकल कॉलेज थे और हालत खराब हो जाती थी आपको सिलेक्शन लेने में। आज हालात क्या है उत्तर प्रदेश में? आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या तो उसकी तामीर हो चुकी है या तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन हम उत्तर प्रदेश में लाए हैं कि आपको कंपटीशन की तैयारी में सैकड़ों साल नहीं लगाने हैं,
आप तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन होगा, किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिलेगी, जगह मिलेगी, किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीट मिलेगी, आपको जगह मिलेगी। तो ये जो बेसिक काम है, आम जो नौजवान है हमारा उत्तर प्रदेश का, उसे किस तरीके से हम रोजगार से जोड़े, उसे किस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन से जोड़े, इस पर हमने काम किया है। उसको अपने इलाके में किस तरीके से रोजगार मिले, अपने जिले में किस तरीके से रोजगार मिले, उसको किस तरीके से उसकी उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, इस पर हमने काम किया है। सबसे बड़ी चीज आपको याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको, कि समाजवादी पार्टी का शासन था पिछली बार में एक गायत्री प्रजापति मंत्री थे बुंदेलखंड में। क्या किया बुंदेलखंड को? खाली खाली खनन का काम करने का काम वो वहां से करते थे, बाकी विकास का काम तो नहीं किया। हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों को एक सड़क, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, आज वो लखनऊ आ सकते हैं, यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं। इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे पहले क्या सरकारों ने इस तरीके का काम किया था? अपराध, अगर हम कहते हैं किसी जमाने में आपको याद होगा जब मुलायम सिंह का शासन था, कहते थे अपराध यहाँ है कम, यूपी में है दम। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यूपी में है दम, क्योंकि अपराध यहाँ है कम। ये काम हमने किया है, जो संगठित अपराध थे वो हमने खत्म किया उत्तर प्रदेश में। पहले क्या होता था, पहले आपको बताने की जरूरत नहीं। आलोक वर्मा जी, दलितों को लेकर के बात हो रही, तो दलित